चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस रहता है, कैसे रिप्रेजेंट अलग अलग करते हैं दोनों को। जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में हम लोग इस तरीके के ब्रैकेट को यूज करते हैं। बट जब भी मैं डिटरमिनेंट्स को लिखूंगा तो हमें डिटरमिनेंट्स को इस तरीके से लिखेंगे, जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड में, 10th तो नहीं सॉरी पीछे 6 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में मॉडुलस जैसे निकालते थे, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते थे। तो इस तरीके के ब्रैकेट को हम लोग वहां पे यूज करते थे। तो डिटरमिनेंट इस वाले ब्रैकेट से यूज करेंगे, जहां पे ऐसा रहेगा ये हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट का साइन डाल दोगे तो पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, जीरो मार्क्स मिलेंगे। फिर मैट्रिसेस जो होते थे, मैट्रिसेस हम लोग अलग अलग ऑर्डर के पढ़ते थे, 2x3 पढ़ते थे, 2x3, 3x2, 3x1, 3x3, ये सारे सारे हम लोग पढ़ते थे। लेकिन जो हम लोगों ने जो डिटर्मिनेंट करने हैं, डिटर्मिनेंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही करेंगे। हम लोग डिटर्मिनेंट जो करते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही निकालेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके दो आ जाएंगे, एक हो जाएगा 2x2 और एक आ जाएगा हमारे पास 3x3। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक क्लियर है? तो मैं यहां पे ये नहीं बोल सकता कि स्क्वायर मैट्रिक्स, बस मैट्रिक्स ही बोल सकता। हमने उन किसकी बात करनी है, डिटरमिनेंट्स में जिनका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे सेम रहेंगे, जिनके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम रहेंगे। हमने डिटरमिनेंट सिर्फ उन्हीं के लिए ही हमने पढ़ना है। आप डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है, दिस इज 1 2 3 4, इस टाइप से गिवन है। मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू निकालो। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है ऐसे, तो आप मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। बट अगर मेरे पास डिटरमिनेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x4 सिलेबस में नहीं है बेटा, 4x4 सिलेबस में नहीं है हमारे, हमारे सिलेबस में 2x2 एंड 3x3 है। तो इसकी मेरे को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं, मॉडुलस का साइन डाल देंगे a के ऊपर, जिसका मतलब है कि वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। इसकी जगह हम लोग ये भी लिखते हैं DET.A, कुछ भी लिख सकते हो। बट मोस्ट कॉमनली जो यूज करना इजी वे है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा मॉडुलस ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ, दिस इज नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ। अब वैल्यू कैसे निकालें, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। मतलब कि 1 × 4 माइनस 3 × 2, 1 × 4 = 4, 3 × 2 = 6, 4 − 6 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। Is this clear to everyone? Great. हाँ जी, तो आगे इसको देखिए, या आई गेस सबको समझ आ गया होगा, ये सभी को समझ आ गया। डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से आता है 5 6 7 8, डिटरमिनेंट निकालो, बताइए फटाफट कितनी वैल्यू आएगी इसकी डिटरमिनेंट की। आपके पास ए आपको गिवन है 5 6 7 8, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, क्या आंसर आ रहा है? ध्रुव कह रहा है सर 2 आ रहा है आंसर। एनीवन एल्स, इसकी क्या आंसर आएगा इसका? 2 तो गलत है। अनद राइट, मिस्टर राइट, जीवा राइट, साधिकर राइट, वेरी गुड। क्या आ जाएगा, 5 × 8 माइनस 7 × 6, 5 × 8 = 40, माइनस 42, सो इट वुड बी -2 नॉट 2। जिसने भी 2 रिप्लाई करा था प्लीज चेक, किया जाएगा। और ये चीज जो यहाँ पे मैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मॉड नहीं है, दिस इज नॉट टेकिंग आउट पॉजिटिव वैल्यू। वो समझाने के लिए मैंने बोला था कि डिटरमिनेंट को समझ सकते हो जैसे हमने पहले करा था, बट पॉजिटिव वाली नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई माइनस, इस तरीके से।
सर ये तो हो गया हमारा 2 क्रॉस 2, लेकिन अगर 3 क्रॉस 3 आ जाएगा तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? 3 क्रॉस 3 निकालने के लिए, निकालने से पहले आपको एक और बात एक्सप्लेन करता हूं मैं। क्या बात? कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। 3 बाय 3 में देखो इस बात को, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे -1 ले लेते हैं। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। तो जब भी 3 क्रॉस 3 की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी हमारी सेम। सर सेम क्यों बोल रहे हो आप? सेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू निकालनी होती है। जब भी मेरे को 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो वैल्यू निकालने के लिए मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकता हूं। आई एम रिपीटिंग अगेन, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट बाय एक्सपैंडिंग इट इन फॉर बाय एनी रो या बाय एनी कॉलम करके देखते हैं। मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपैंड करता हूं तो वैल्यू कैसी आएगी? 3 क्रॉस 3 में जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप किसके अलोंग एक्सपैंड कर रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ इट। मैं R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं, पहला एलिमेंट R1 का कितना है? 1। फिर इसके बाद आपने यहां पे डालना है डिटर्मिनेंट, फिर अगला एलिमेंट कितना है? 2। लेकिन इसकी पोजीशन कौन सी है? ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन कैसे सर? ये पोजीशन नंबर है 1 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाता है? 1 प्लस 2 कितना होगा बेटा? दैट इज 3। सर 3 हमारा क्या होता है? ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। फिर 2 के साथ डिटर्मिनेंट, फिर आ गया 3, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब प्लस क्यों आ गया? क्योंकि ये पोजीशन नंबर क्या है? 1 3। ये पोजीशन नंबर क्या है? ये 1 3। 1 प्लस 3 इज 4। इज दिस क्लियर? ये एक बेसिक स्टेप सबको क्लियर है। मैं R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूं, तो R1 का पहला एलिमेंट A11, फिर आगे डिटर्मिनेंट -2, डिटर्मिनेंट +3, डिटर्मिनेंट। इज दिस क्लियर? फटाफट चैट बॉक्स में CCC लिख दो अगर क्लियर है तो। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, पहला एलिमेंट फिर डिटर्मिनेंट -2, डिटर्मिनेंट 3, डिटर्मिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट, सर ये खाली क्यों लिखवाया? खाली क्यों लिखवाया है अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब A11 यहां मैंने 1 लिखा है तो इसके आगे यहां पे क्या आएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कर दो, क्या बच जाएगा? 5 6 0 1, 5 6 0 -1, फिर यहां -2। ये कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर लो, क्या बच जाएगा? 4 6 7 -1, फिर यहाँ पे 3 है, ये रहा। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर लो, क्या बचेगा आपके पास? 4 5 7 0। इज दिस क्लियर? जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करा तो 1 एज इट इज, फिर फर्स्ट रो और सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 5 6 0 1, फिर -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काट दो, 4 6 7 -1, फिर यहाँ पे थर्ड वाला आ जाएगा 4 5 7 0। अब 2 क्रॉस 2 आ गया, 2 क्रॉस 2 आपको आता ही है, कैसे सॉल्व करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रिंसिपल का प्रोडक्ट, दिस इज 1 टाइम्स ऑफ 5 -1 -5 -0 6 0 -2, 4 -1 -4 7 6 42, 4 0 0 0 -35, दिस इज -5 -2 -46 +3 -35 -5 +92 -105, दिस इज 92 -110, दैट गिव्स -18। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? एनीवन, एनी डाउट? वी विल रिपीट दिस ऑल्सो। एक्सपैंड करने का क्या मतलब है सर? एक्सपैंड करने का मतलब है कि मेरे को डिटर्मिनेंट की जब वैल्यू निकालनी पड़ती है तो मेरे को
फर्स्ट रो ले रहा हूँ, सेकंड रो ले रहा हूँ, थर्ड रो ले रहा हूँ, इसलिए इसको एक्सपैंड लिखते हैं हम लोग। नोट कर लो इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। सर कैन वी, बेटा वी विल एक्सपैंड बाय द अदर मेथड्स आल्सो। अभी तो मैंने सिर्फ आर वन के क्रॉस कराया है, अभी और भी कर रहे हैं हम लोग। अब ये अभी हमने थ्री क्रॉस थ्री में डिटर्मिनेंट की वैल्यू फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करके हमने निकाली है। मैं इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेकेंड रो को एक्सपैंड करके भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एक्सपैंडिंग अलोंग आर टू, एक्सपैंडिंग अलोंग आर टू। पहले आर टू जाए कॉलम दरवा देता हूँ, कॉलम वन, कॉलम वन से एक्सपैंड अगर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अब इस तरीके से ये हमारा कॉलम आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ पे लिखेंगे आप वन, और फिर यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ पे एलिमेंट क्या है फोर, फिर डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ क्या है सेवन, और फिर आगे डिटर्मिनेंट। अब इसकी पोजीशन क्या थी, ए वन वन, तो वन प्लस वन होता है पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। फिर यहाँ पे क्या हमारा ए वन टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेवन, ये कौन सी पोजीशन पे है, ए वन थ्री, तो वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, हाउ मच इज वन प्लस थ्री, दैट इज फोर, फोर क्या होता है इवन नंबर, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये जो स्पेसेस छोड़े हैं इसके अंदर क्या आएगा बच्चे, पहले हमने वन लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो बचेगा फाइव सिक्स जीरो माइनस वन, फाइव सिक्स जीरो माइनस वन। फिर यहाँ लिया फोर, तो अब जो फोर है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फोर जो है ये हमारा है फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो क्या बचेगा टू थ्री जीरो माइनस वन, टू थ्री जीरो माइनस वन, और फिर आगे लास्ट सेवन आ गया, तो ये फर्स्ट कॉलम लास्ट रो कैंसिल, टू थ्री फाइव सिक्स, टू थ्री फाइव सिक्स, ये आ जाएगा हमारा वन माइनस फाइव माइनस जीरो माइनस फोर माइनस टू माइनस जीरो सेवन ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको। यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस फाइव माइनस फोर इंटू माइनस टू प्लस सेवन इंटू माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस एट माइनस ट्वेंटी वन, माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी वन इज माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस एट, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एटीन, दैट इज इक्वल टू माइनस एटीन। आ गया सेम, क्लियर है सभी को, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आई है, चाहे कहीं भी एक्सपैंड कर लो, चाहे कहीं भी एक्सपैंड कर लो, हमारा आंसर सेम आएगा। सो अब आपने क्या करना है, आपने घर पे इसी को एक बार रो थ्री, एक बार रो टू, एक बार कॉलम टू और एक बार कॉलम थ्री से एक्सपैंड करना सभी ने। इज दिस क्लियर, किसी का कोई डाउट इसमें बेटा। सर कैन वी डायरेक्टली मूव द सेकेंड स्टेप दिस वन, yes obviously you can directly write this step after writing this term expanding along where, ये आप directly कर सकते हो, अभी chapter start करा है इसलिए सारे के सारे steps लिखने हैं आप सभी ने। let's see the chapter, chapter में page number 2 पे आइए बच्चे, page number 2 पे आइए, आर टू के अलोंग जसलीन, आर टू के अलोंग इसको एक्सपैंड करो। चलो भाई बात की जगह जसलीन के साथ अभी करवा दो, चलो स्टार्ट हो जाओ भाई, इसको आर टू के अलोंग एक्सपैंड करो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है, आर टू के अलोंग एक्सपैंड करो, आर टू के अलोंग एक्सपैंड करो, क्रॉस चेक करो, सेम आंसर आ रहा है। इसकी पोजीशन आर टू पे क्रॉस करूंगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, दिस इज फोर दिस टू थ्री जीरो माइनस वन,
137 माइनस 1 6 पे करेंगे तो 1270 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 21 0 माइनस 14 दिस इज हाउ मच 8 प्लस 5 इनटू माइनस 22 प्लस 84 सर प्लस माइनस कैसे लगाया है इसमें बताता हूं बेटा 8 माइनस 110 प्लस 84 माइनस 110 प्लस 92 माइनस 18 मैंने आपको बताया था जो आगे प्लस माइनस का साइन होता है वो पोजीशन को देख के जिसकी पोजीशन क्या है A12 इसकी पोजीशन क्या है A12 तो 1 प्लस 2 कितना होता है सॉरी A21 नॉट A12 A21 तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3 हो जाता है जो कि ऑड नंबर आ रहा है ये हमारा A22 पे है तो 2 प्लस 2 पॉजिटिव 23 माइनस क्लियर है इज दिस क्लियर तो जिन लोगों को बढ़िया रहे ये याद रहे तो जिनको याद नहीं रहता वो इस तरीके से लर्न कर लेना प्लस माइनस प्लस माइनस 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 बाकी जगह प्लस रहता है ये इस तरीके से रहेगा जीरो काटा खेला था वही हाल है ये हमारा पॉजिटिव रहते हैं और बाकी ये चारों ये हमारे नेगेटिव रहते हैं इज दिस क्लियर इस तरीके से समझ आ जाए तो बढ़िया वैसे तो इसी तरीके से कर लो नहीं समझ आता तो इसके हिसाब से कर लेना जो कन्वीनियंट लगे जिसको जैसा ठीक लगे वैसा करिएगा सभी के मैथमेटिकल स्किल्स अलग अलग है वी कैन नॉट जज एनीवन बाय एनीथिंग सर कोई भी कॉलम यस कभी भी डिटरमिनेंट निकालना है कोई भी रो कोई भी कॉलम कहीं भी एक्सपैंड करो आंसर सेम रहेगा तो देखिए यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट यहाँ पे गिवन है यहाँ पे पेपर में यार पहले मेरे को पढ़ाए दो ये पेपर वेपर छोड़ दो अभी पेपर की बात बाद में करेंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट आपको ए गिवन है ए बी सी डी डिटरमिनेंट को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेटा एक तो मैंने आपको बताया था कि ये आ रहा है मॉडुलस वाले स्टाइल में जो लिखते हैं एल्स हम लोग क्या लिखते हैं डी टी ए लिखते हैं डी टी मतलब कि डिटरमिनेंट ही हमने निकालना है अब इसके बाद यहाँ पे आगे नीचे हमारी प्रॉपर्टी आ गई प्रॉपर्टी क्या आ रही है फॉर मैट्रिक्स ए जो मॉडुलस वाला जो ए लिखा हुआ है रेड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए बुक में मार्क कर लो दिस इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए दिस इज डिटरमिनेंट फिर आगे सेकेंड ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट और उसमें भी आपके सिलेबस में 2x2 एंड 3x3 ही है नेक्स्ट वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 अब ऑर्डर 1 है तो 1x1 रहेगा तो इसका जो डिटरमिनेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा सेम ही रहेगा अगर आपको आंसर लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दिया 2 तो 2 हो जाएगा या 3 लिखूंगा तो 3 हो जाएगा 4 लिख दूंगा तो 4 ही रहेगा क्लियर है इज दिस क्लियर टू एवरीवन ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई है मार्क कर लेना नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2 वी हैव डन इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 आपको डिटरमिनेंट गिवन है 2 4 माइनस 1 एंड 2 यू कैन सॉल्व योरसेल्फ ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2 इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग अदर फॉर्म्स में कंसीडर कर लेते हैं रादर देन बिकॉज़ ये सारे आप खुद ही करके कर लेंगे तो एग्जांपल नंबर 2 के टाइप पे एक आपके पास गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 कुछ इस तरीके से आपको गिवन है इसका डिटरमिनेंट निकालिए अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ नॉन प्रिंसिपल x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 इज दिस क्लियर तो अब इसको सॉल्व करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यों आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो कुछ बच्चों को गलती होगी होगी तो जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट का यूज जरूर करना ताकि साइन की गलती ना हो जाए
वरना बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहाँ पे गलत आ जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, एक्स फोर माइनस एक्स फोर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, प्रिंसिपल डायगनल माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स। समझ नहीं आया, मल्टीप्लाई करा इसको इससे, मल्टीप्लाई करा माइनस इसको इससे, मल्टीप्लाई करा a plus b into a minus b a square minus b square minus a plus b into a minus b a square minus b square। ब्रैकेट लगाए हैं, ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो क्या आंसर गलत आ जाएगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है जो मैंने आपको बेटा पूरा एक्सप्लेन करा है, पढ़ना होगा किसी बच्चे को तो पढ़ लेना, और यहाँ पे अलग से एक्सपैंड भी करो, देखो एक्सपैंडिंग अलोंग C1 भी करके दिखाया हुआ है, R2 के अलोंग भी एक्सपैंड करा है और R1 के अलोंग भी एक्सपैंड करा हुआ है, और एट द एंड सिर्फ आपको यही लिखा हुआ है, फॉर इजियर कैलकुलेशंस वी एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो एंड कॉलम व्हिच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। ये यहां से रिमार्क आ गया हमारे पास, ये हमारे पास यहां से रिमार्क आ रहा है। अब मेरे को एग्जाम में चूज किसको करूं, कौन से वाले रो को 3x3 में किसको, कॉलम वाले को किसको करूं, उसको चूज करो जिसके अंदर हमारे क्या आ रहे हैं ज्यादा नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1 2 3 4 5 6 0 0 8। अब अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपैंड करता हूं तो मेरे को कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा ना, मैं इससे बेटर रो 3 के अलोंग एक्सपैंड कर देता हूँ। रो 3 के अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 8, ये तो हमारा सारा जीरो ही रहेगा, सिर्फ 8 वाले को लिखना 1 2 4 5, जो कि हमारा हो जाएगा 8 5 माइनस 8 8 into -3 -25। क्लियर है बात? तो हमें उस रो या उस कॉलम को कंसिडर करना है जिसके अंदर ज्यादा जीरो आ रहे हो। ज्यादा जीरो में क्या होगा कि उसमें दो जीरो। क्लियर है? इज दिस क्लियर? स्पीड ठीक है, धीरे तो नहीं करूंगा, ठीक चल रहा है, स्पीड इज फाइन, परफेक्ट। नाउ फाइंड द वैल्यू 1 2 3, फटाफट से इसकी वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालो इसकी बड़ा फटाफट। आ गया बच्चे इसको सॉल्व करके, क्या आंसर आया सबका डिटर्मिनेंट? जब आपने सॉल्व इसका करा होगा तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है। अब एक और निकालो 2x2 के लिए, तो आप निकाल ही लोगे, निकाल के बताओ इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। नाउ फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। मैंने प्रॉपर्टी बुक से नहीं पढ़ाई, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया डायरेक्टली, क्या क्या आपने, अब खुद कंक्लूड करो और मेरे को बताओ क्या कंक्लूड करा है, कि कभी भी अगर कभी रो, कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम अगर आपका पूरा का पूरा जीरो होगा तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो आ जाएगी। इज दिस क्लियर? अगर मेरे पास कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर जीरो हो गया तो पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सेंस द C1 इज जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो, से मार 2 इज जीरो, डिटर्मिनेंट इज जीरो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। नाउ जो मैंने प्रॉपर्टी वहां लिखवाई थी ऑड इवन वाली, ये यहां पे आ गई है। Now after this that we have is our very important property over here, जो कि इन्होंने directly ढंग से तो नहीं लिखी हुई, but still हम लोग, मैं आपको करवा देता हूँ ये property mark कैसे होगी। This property is very important। अब जो मैंने mark करी है इसके basis पे आप सभी का one marker question हर साल board में, प्री बोर्ड में, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब क्या है ये, तो पहले हम लेते हैं
अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं 2 1 3 4 है, मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड 2 ए डिटर्मिनेंट, बताओ सॉल्व करो फटाफट, पहले 2 ए निकालो फिर डिटर्मिनेंट निकालो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। टू ए निकालेंगे तो आ जाएगा 4 2 6 8, डिटर्मिनेंट 32 - 12 विच इज इक्वल टू 20, यही आ रहा है। ये मेरा आंसर गलत आया, पार्थ बजाज ने 10 निकाला है, क्रॉस चेक एनीवन, क्या मेरा गलत आया है? 20 आ रहा है, 20 ही आ रहा है, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, पहले 2a निकाला फिर मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। यस, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया और नीचे लिखा है, मैंने मैट्रिक्स है लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ बेटा, तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है, 20 आ गई है। अब मेरा दूसरा काम करो, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो यहां से, वॉट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्लस माइनस बारहवीं में कैसे सुधारू, बारहवीं में प्लस माइनस कैसे सुधारू, सहज, तिशा इज राइट, सहज राइट, सना राइट, प्रीत राइट, कैसे कर रहे हैं, 2 4 8 3 1 3, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैं यहां से कुछ रिलेशनशिप निकाल पा रहा हूं, क्या करा मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके इक्वल हो रहा है, 2 स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 5 20, और यहां पे ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, समझ आ गई ये बात, इज दिस क्लियर। तो मैं यहां से क्या प्रॉपर्टी आपको बना सकता हूं, बोल सकता हूं कि के टाइम्स एनी मैट्रिक्स और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के रेस टू द पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कोई भी एक मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं बोल रहा हूँ 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले हर एक एलिमेंट को डबल करा फिर डिटर्मिनेंट निकाला, और सिंगल एक बार पहले मैंने डिटर्मिनेंट निकाल के फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट करा, फिर हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करा। सर इसमें n की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब n कहाँ से आएगा, यहाँ पे ये ऑर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 2 है, तो ये रहा 2, तो 2 स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 और मेरे पास ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, नया क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, 5 हटा के काम करते हैं 6 कर देते हैं, और ये 3 क्रॉस 3 है, दिस इज अ 3 क्रॉस 3, मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड 5 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 5a डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, तो यहां से इस प्रॉपर्टी से क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 125 × 6, द आंसर विल बी 750, द आंसर विल बी 750, इज दिस क्लियर। जगजीत, गुरसिमर, साधिका, एहसास, आसान सा है, सिंपल है, सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। ये यूज कहाँ कहाँ होंगे आपको धीरे धीरे और आगे पता चलता जाएगा, जैसे जैसे टेस्ट होते रहेंगे आपके, 1 मार्क्स आते रहेंगे, यू विल गेट टू नो। यहां तक सबने नोट कर लिया, एक और ट्राई के लिए कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 है, फाइंड और ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, -4a डिटर्मिनेंट, -4a डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा -4, 2 क्रॉस 2 तो 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 16 × -3, दैट इज -48,
माइनस 48. इज दिस क्लियर? ग्रेट. तो प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे, एल्स सर नोट कर रही थी मैं. ओके, प्रीवियस वाली वीडियो में जाके स्क्रीनशॉट ले भेज दूंगा मैं, तो वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी रात तक. Now we have example number 3, evaluate, मतलब वैल्यू निकालनी है हमें, इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं. इसके बाद हमारे पास example number 4 में भी हमें यहाँ पे सिर्फ डेल्टा जो लिखा हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. सो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज फिर दोबारा से लिखवा देता हूँ. साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और अगर हमारे पास यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा. कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? यही प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है कहीं पे. अगर चैप्टर में यूज ही रहूंगी तो 2 sin sin 2x is equal to sin 2 sin x cos x, cos 2x is equal to cos square x minus sin square x, second 2 cos square x minus 1 minus 2 sin square x, कहीं पे भी अगर यूज हो रही होंगी तो आप इसको लिख लेना. ठीक है, इज दिस क्लियर? एग्जांपल नंबर 5 एंड दिस एक्सरसाइज. तो यहां तक सारा का सारा आपका होमवर्क है बच्चे. ये सारा जितना भी हम लोगों ने करा है, इस पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी होमवर्क है. नेक्स्ट क्लास हमारी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे की सारी एक्सरसाइज है. कोई भी क्लास नेक्स्ट वाली मिस मत करिएगा.